सफाई कर्मियों के पांव पखार कर राम भक्तों ने राम मंदिर निर्माण के चंदे की शुरुआत। राम भक्तों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से सहयोग राशि जुटाने का कार्य प्रारंभ किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर झारखंड के रामगढ़ जिले के श्री राम भक्तों ने सफाई कर्मियों के पांव पखार कर व उन्हें सम्मानित कर 15 जनवरी से राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए चंदे की शुरुआत कर दी है। यह राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि जुटाने का कार्यक्रम जिले में 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा। राम भक्तों के अनुसार ये लोग प्रत्येक हिंदू के घर जाएंगे और उनसे उनके स्वेच्छा अनुसार भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु उनसे चंदे का सहयोग लेंगे। राम भक्तों ने बताया कि राम मंदिर निर्माण कमेटी के द्वारा भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए की राशि तक का कूपन आया है। वहीं अगर कोई राम भक्त इस कूपन की राशि से अधिक सहयोग देना चाहते हैं तो उसके लिए चेक, डीडी और कई प्रकार के माध्यम की व्यवस्था है। राम भक्तों ने हिंदू भाइयों से आग्रह किया है कि आप भव्य राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देकर श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण में अपना भूमिका अदा करें। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसके बाद भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। अब मंदिर बनने के लिए हम लोगों ने यह तय किया विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में और राम जन्मभूमि एकर तीर्थ न्यास के तत्वावधान में यह मंदिर निर्माण हो रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि प्रत्येक हिंदू घरों से कम 10 रुपया, 100 रुपया या 1000 रुपया जिसका जैसा सामर्थ्य है एक घर से लेंगे और उसी से राम जन्मभूमि का निर्माण करेंगे। विदेशी पैसा या सरकारी पैसा उस पर नहीं लगाएंगे। विदेशी पैसा और सरकारी पैसा जो है उस परिसर के बाहर जो उसके सेवा कार्य रहेंगे, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, विद्यालय है, छात्रावास, उसमें लगाएंगे। प्रभु राम का काम हिंदू समाज करेगा। इसका उद्घाटन आज 15 तारीख से 15 फरवरी तक, माने आज जनवरी 15 से 15 फरवरी तक ये पूरे देश में हिंदू घरों में जाकर गांव-गांव तक ये लिया जाएगा। तो उसके दृष्टि से जो रामगढ़ जिला बना है उसका मार्गदर्शन मंडल का मैं सदस्य हूँ। 5 लोगों का मार्गदर्शन मंडल बना है और ये जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं ये इस दृष्टि से अधिकांश लोग संघ, विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक संस्थाओं से जुटे हुए लोग ही इसमें लगे हुए हैं। तो ये मंदिर भव्य बने, श्रेष्ठ बने, सुरक्षित बने, आगे चलकर ये देश को एक उन्नत ऊंचाई दे सके, इसी के लिए हम यहाँ इस मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए राम जी ने सबरी का जूठा बैर खाया था। राम जी ने अपने राज्याभिषेक में केवट को बुलाकर जो पार्क से में उनका चरण धोकर पिया था, उन्होंने राज्याभिषेक में उनका चरण धोया था। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया था और ऐसा कोई काम नहीं है जो राम जी ने कहा कि भरत भाई कपि से उदय भ्रम नाही। ये कपि यही क्या है? आप अपने झारखंड में आंजन ग्राम में राम जी का जो अनुज है, जो भाई है, जो सखा है, मित्र है, सेवक है, इस हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए राम जी का काम श्रेष्ठ काम है और मेरा सौभाग्य है कि उस मंदिर का निर्माण भी मेरे ही समय हुआ, मेरे हाथों से हुआ, इसलिए हम यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए।